आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर चाट। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून घी, देसी घी डालेंगे, और आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अब हमारा घी गरम हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून। देखिए जीरा भी हमारा भून रहा है, जीरा भून जाएगा तो इसमें अब हम डाल देते हैं हरी मिर्च, और साथ में डाल देते हैं अदरक का पेस्ट। अदरक महीन कटा हुआ डालिएगा, वो ज्यादा सही रहता है। और साथ में ये है थोड़े से काजू, इसको मैंने क्रश कर लिया है, इसको भी डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब इनको थोड़ा सा हम भून लेते हैं अच्छे से। ये जब तक हमारा भून रहा है, और ये देखिए ये हमारे टमाटर हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया है, 4 या 5 टमाटर हैं। क्योंकि टमाटर चाट बना रहे हैं इसलिए हमें टमाटर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी मेरा भून रहा है मसाला। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर कितने पक गए हैं। देखते हैं ये हमारे टमाटर देखिए पक गए हैं, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मैश हो गए हैं, अब हम इसमें डालते हैं आलू, और इसमें 2 या 3 आलू का मैश किया हुआ आलू हम डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मिनट में, और साथ में डालेंगे ये भुने हुए जीरे का पाउडर, ये भी हम डालेंगे। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, डालेंगे काला नमक, साथ में अब जाएगा इसमें चाट मसाला। इन सब चीजों को अब हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हमारी टमाटर चाट देखिए बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर और डाल देते हैं, और साथ में ये धनिया पत्ती भी डाल देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको चलाएंगे, और बस अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग, और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब इसको देखिए मैंने प्लेट में निकाल लेते हैं, ये रही हमारी टमाटर चाट, अब हम इसको सर्व करते हैं। अब हम इसको ये जो इमली की पतली सी चटनी रहती है ना, खट्टी मीठी वाली, इसको डालेंगे। ये देखिए इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और साथ में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, और ये हमारी टमाटर चाट है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि ये देसी घी से बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। और साथ में ये डालेंगे, ये सेव है ये डालेंगे, और इसको हम सर्व करेंगे ये जो नमक पा रहे हैं इसके साथ में। ये देखिए इसके साथ में ये बहुत ही अच्छी लगती है, बनारस में तो ये इसी के साथ सर्व की जाती है। और ये हमारी टमाटर चाट बनके बिल्कुल रेडी है, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं, और साथ में इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और ऊपर से डाल सकते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला भी यूज कर लेंगे।